हेलो एवरीवन, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजना गुप्ता। आज हम बात करेंगे न्यू नॉर्मल लाइफ के बारे में जो हमें कोरोना वायरस ने दी है। ये तो हमने समझ लिया है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसी के साथ रहकर अपने सब काम करने होंगे। इसलिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में एक टर्म यूज हो रही है, हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल डिप होती जा रही है पर हमारा सांस नहीं फूलता। जब तक हमारा सांस फूलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारी ऑक्सीजन लेवल इतनी कम हो चुकी होती है कि वो नुकसानदायक स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अपनी ऑक्सीजन और लंग्स को चेक करने के लिए लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज कर रहे हैं। कुछ सांस को भरकर 10 सेकंड तक सांस को अंदर रोक कर अपने लंग की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। कुछ डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं लंग्स को असेस करने के लिए। ये हो सकता है ये सब ठीक हो, पर ऑथेंटिक वे है अपनी ब्लड ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर से एक्यूरेटली चेक करना। सिंपली अपनी फिंगर में इस डिवाइस को लगाकर हम ऑक्सीजन लेवल पता लगा सकते हैं। रिकमेंडेड है वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें पर्सन को 6 मिनट तक नॉर्मल स्पीड पर वॉक करने के लिए बोला जाता है। 6 मिनट के वॉक करने के बाद ऑक्सीमीटर से ब्लड की ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मली ब्लड में 95% टू 97% होता है। अगर ऑक्सीजन का डिप वॉक के बाद 6 to 8% से ज्यादा है तो डेफिनेटली लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। अगर धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जा रही है तो ये एक अलार्म है हमारे लिए कि हमारी हालत सीरियस हो सकती है। ये एक इंडिकेटर है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, आप अपने डॉक्टर को तुरंत कॉन्टेक्ट करें। कोरोना इन्फेक्शन इज अ हाइपर कोगुलेटिव स्टेज। इसका मतलब है कि ब्लड काढ़ा हो रहा है और काढ़ा होने की वजह से कहीं कहीं जमने लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सो जो एल्डरली लोग हैं 60 साल से ऊपर हैं और उनमें कोई ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या किडनी डिजीज, उनका हमें खास ध्यान रखना है। कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हमें क्या करना है? ये जो टेस्ट है कोरोना कोविड का आरटीपीसी स्वैब से जो होता है ये सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से ही होता है। कोरोना इन्फेक्शन की माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेजेस हो सकती हैं। माइल्ड मतलब कि आपको बॉडी पेन है और गला भी में थोड़ी खराश है। मॉडरेट मतलब कि लंग इन्फेक्शन हो रहा है और आपको निमोनिया बन रहा है। सीवियर मतलब कि निमोनिया बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होती जा रही है और सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी है। 80% लोगों को ये वायरस इन्फेक्शन माइल्ड होता है, इन्फेक्शन होता है और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। पर कुछ लोगों में इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है और कुछ परसेंटेज लोगों में ये काफी सीरियस हो सकता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो माइल्ड फॉर्म है, यानी कि जिन्हें गला खराश या हल्का बॉडी पेन है, उनको घर पर ही रहकर आइसोलेशन में सबसे अलग एक सेपरेट रूम विद सेपरेट अटैच वॉशरूम यूज करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें हेल्थ अथॉरिटीज को ओवरबर्डन नहीं करना है और घर पर ही रहकर हमें अपना सेपरेशन में रहना है, डॉक्टर्स के टच में रहना है और मॉर्निंग इवनिंग अपने पैरामीटर्स यानी टेम्परेचर और ऑक्सीजन चेक करना है। अगर ऑक्सीजन डिप होने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना है। मॉडरेट और सीवियर केसेस को हॉस्पिटल में ही ठीक मैनेज किया जाता है क्योंकि ये सीरियस हो सकते हैं, हो सकता है इन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। लोग पूछते हैं कि मैं किसी से मिला था, बाद में वो कोरोना पॉजिटिव निकला, मुझे भी कोरोना हो जाएगा। यहाँ पर ये समझने की बात है कि आप किसी से क्लोज कॉन्टेक्ट में, यानी कि 15 मिनट से ज्यादा और 3 फीट की कम डिस्टेंस पर अगर मिलते हैं तो चांसेस है इन्फेक्शन का। तब हमें क्या करना है? हमें डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करने के बाद 5 से 10 दिन तक ये वायरल सिम्टम आ सकते हैं, तब तक आप अपने आप को और फैमिली मेंबर से आइसोलेशन में रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू गेट ऑल माई फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।